যুদ্ধক্ষেত্র ইউক্রেন থেকে ঘরে ফিরলেন আসানসোল রেল পাড়ের বাসিন্দা শাহলিন সাজিদ। ডাক্তারি পড়তে গিয়ে যুদ্ধক্ষেত্র ইউক্রেন থেকে ঘরে ফিরলেন আসানসোল রেল পাড়ের বাসিন্দা শাহলিন সাজিদ। তাকে স্বাগত জানাতে উপস্থিত ছিলেন এলাকাবাসী ও পরিবারের লোক। কয়েকদিন ধরে যুদ্ধ চলাকালীন অবস্থায় পানীয় জল ও খাবারের সমস্যায় ছিলেন বলে জানান শাহলিন। তবে অবশেষে বাড়ি ফিরতে পেরে খুশি শাহলিন ও তার পরিবারের লোক। বাড়ি ফিরে ধন্যবাদ জানিয়েছেন কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারকে। वहाँ का माहौल काफ़ी टेंशन वाला था। हर वक्त बॉम्बिंग का आवाज़ आए जा रहा था कंटिन्यूसली। टेंशन तो काफ़ी लेवल का था। उसके बाद से हम लोग निकलने का वहाँ पे कुछ उपाय लगा, फिर वहाँ से निकल के लवीव तक पहुँचे, उसके बाद बॉर्डर तक। कैसे बिताए हो इतना दिन, जो युद्ध के बाद जो आज वहाँ थी, कैसे बिताई हो वहाँ? खाने पीने का इंतजाम? खाने पीने का काफ़ी, खाना पीना कुछ प्रॉपर मिल नहीं रहा था, पानी भी ख़त्म हो चुका था वहाँ पे। फिर कुछ जो स्टफ था मार्केट में वहाँ पे भी ख़त्म हो ही जा रहा था। फिर कहीं से उपाय लगा के जो घर पे था उसको बना कर ही खाया जा रहा था। आपका साथ कितना इंडिया का स्टूडेंट थी वहाँ? मेरे साथ टोटल 25 था, लेकिन इंडियन स्टूडेंट काफ़ी है वहाँ। डर का माहौल हो गया था वहाँ पूरा? हाँ, इसी जगह मौजूद थे। वहाँ पे कंटिन्यूसली बॉम्बिंग हो ही जा रहा था, माहौल तो रहेगा ही डर का। इंडियन एम्बेसी मिला आपको क्या? सरकार इंडियन एम्बेसी कुछ मदद किया? या दे प्रोवाइड मच। कौन जगह में अटकी हुई थी आप? खारके। तो एक्सपीरियंस थोड़ा बताइए हम लोग को, क्या क्या माहौल हुआ? हम लोग को जो आपको हुआ, हम लोग जो नहीं जानते हैं वो कहानी थोड़ा हम लोग को बताइए। कैसा रहा खारकेव का ये? पहले स्टार्टिंग तो खारकेव में कुछ हो नहीं रहा था, फिर 25 से स्टार्टिंग होने लगा। सुमी में कंटिन्यूसली होने लगा, वहाँ पे भी सारे इंडियन स्टूडेंट थे, फंसे हुए थे। वहाँ से वहाँ का टेंशन सुन सुन के हम लोग का भी टेंशन बढ़ने लगा। फिर जहाँ पे मेरा फ्लैट था वहाँ पे उसके 50 मीटर्स अब आगे थोड़ा वहाँ पे बॉम्बिंग का आवाज़ हुआ। हम लोग पार हो रहे थे वहाँ से, अपोजिट साइड ही बॉम्ब गिरा था, शेलिंग, और ऊपर से शेलिंग पार हो रहा था। केस पैसा का तकलीफ हुआ था क्या? ATM बंद होने के बाद केस पैसा का तकलीफ हो रहा था? या ट्रांजेक्शन नहीं हो रहा था, काफ़ी बच्चे बिना पैसा के थे, लेकिन वहाँ के एजेंट लोग कुछ हेल्प किए थे। वहाँ के बीच में आपको पढ़ाई छोड़ कर भी आना पड़ा, अभी आपका फ्यूचर के बारे में क्या ख्याल है, कैसे आप लोग आगे बढ़िएगा? आपका जैसा बहुत सारा मेडिकल जाओगे? या होप फॉर द बेस्ट, सब चीज़ ठीक हो जाएगा तो फिर जाना है। लोकल लोग कैसा सपोर्ट था वहाँ पर आपका जहाँ रह रही थी? लोकल उन लोग सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन मोस्ट ऑफ देम वेयर सी टेलिंग दैट गो बैक टू इंडिया। अभी आप पंडाल में रही तो आपके साथ में 8-2 छात्र भी थे, क्या नाम था? सुदीपा और गौरव, दे आर फ्रॉम दुर्गापुर। जंग का जब से खबर मिला हम लोगों का चिंता का कोई ठिकाना नहीं रहा, सिर्फ रात दिन हम लोगों को बच्चे का फिक्र था कि किसी भी सूरत से जो जितना जल्द से जल्द हो सके वो आए। और सरकार इसके लिए बहुत कोशिश किया, हम भी एम्बेसी से कांटेक्ट में थे, वहाँ पर डॉक्टर मुजफ्फर हुसैन साहब थे, उनका बहुत ताउन रहा, उनकी मदद से एम्बेसी के लोगों ने बहुत मदद किया, जिसके बिना पर आज वो यहाँ पर आ चुकी है। राज्य सरकार में यहाँ पर DM ऑफिस में कंट्रोल रूम था, हमने वहाँ पर अपना रिकॉर्ड कराया, उन लोगों का भी बहुत ताउन रहा, उन लोगों ने जो है राइटर आपको नबुनों में पूरा डिटेल्स भेजा, वहाँ से भी हमको मुलायम घटक साहब के फिर भी हम अपना पेपर दिए थे, उन्होंने कहा कि हाँ यहाँ पर एंट्री है, हम लोग इसको फॉरेन अफेयर्स में भेज दिया है, वो आपका काम जल्दी होगा। तो कैसे महसूस हो रहा अभी बेटी घर में? बेटी के घर में आने में बहुत बहुत खुशी का माहौल है, बहुत खुश है, और लगता है कि दूसरा जन्म हुआ है बच्ची का। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद साजिद अख्तर। আসানসোল থেকে সৌমিত্র গাঙ্গুলী, রিপোর্ট টাইমস বাংলা।